नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। AIMIM के मुखिया असुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें नंदन के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवैसी ने इस बात का खुलासा दारुसलम में ईद मिलाद कार्यक्रम के दौरान पार्टी के सदस्यों को संबोधित करते हुए किया था। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील भी की कि वह भाई की सलामती के लिए दुआ करें। ओवैसी ने कहा था कि मैं आपको ईद की मुबारकबाद देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अकबरुद्दीन की सेहत के लिए दुआ करें। वो इलाज के लिए गए हैं, मुझे पता चला है कि उनकी सेहत एक बार फिर से खराब हो गई है। अल्लाह उन्हें सुरक्षित और उनकी सेहत को ठीक रखें। लोकसभा चुनाव के समय से ही उनका लंदन में इलाज चल रहा है। 2011 में घटना के दौरान उन्हें गोलियां लग गई थी और उन्हें चाकू मारा गया था, जिससे वो घायल हो गए थे। इसी का लंदन में इलाज करवा रहे हैं। 3 दिन पहले अकबरुद्दीन को फिर से उल्टियां हुई, जिसके बाद पेट में दर्द होने लगा, जिसका वो अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए अकबरुद्दीन के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने लिखा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। इससे पहले मलकाजगिरी के सांसद और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को अकबरुद्दीन के स्वस्थ होने की कामना की थी। रेड्डी ने लिखा था कि वे अपने अच्छे दोस्त अकबरुद्दीन ओवैसी के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। हमारी दुआ उनके साथ है, जल्द उनकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ जो तेलंगाना विधानसभा में लोगों के मुद्दे उठाती है। अकबरुद्दीन पहली बार इलाज के लिए बाहर नहीं गए हैं। उनके पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि अकबरुद्दीन हज करने के लिए सऊदी गए थे, वो यहाँ से इलाज के लिए चले गए। आपको ये भी बता दें कि अकबरुद्दीन अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, जिनको लेकर समय समय पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। आप अकबरुद्दीन ओवैसी के स्वास्थ्य पर क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो दर्शक HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।